देखिए अभी वार्निश की तैयारी चल रही है। यह देखिए वार्निश मशीन का उद्घाटन होने वाला है। अभी एक में हम लोग पाँच, एक में 20 कॉइल डाल रहे हैं हम लोग, और इसमें कुल मिला के कितना, 1 2 3 कितना, 2 2 4 2 6 7 1 8, 8 में से एक माइनस 7 डंटा, 7 यानी 140 कॉइल एक बार में वार्निश हो जाएगा। उसी की तैयारी चल रही है। एक क्षण में 20-20 कॉइल करके ये लोड हो रहा है ना। आज सोचे कि चलो वार्निश हो जाए, साफ्ट लगे, ग्राइंडिंग स्टार्ट हो जाए, इसलिए कि कल या परसों तक कार्टून आने वाला है। तो जब कल परसों कार्टून आ ही जाएगा, है ना, देखिए इस तरह से कैसे लोडिंग किया जाता है, गौर से देखिए, इस तरह से इसमें लोडिंग किया जाता है। और मैंने वीडियो में जो नाम दिया है, कई लोग हमको बोल रहे थे सर नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, पटनाइट पंखा फैक्ट्री, है ना, पटना तो सब लोग जानता था, हमने एक नया नाम कर दिया है पटनाइट, कुछ चेंज के लिए। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको कॉयल तो पहले मिलने लगेगा, क्योंकि हमने कॉयल को प्रोडक्ट बनाया है जो कि एक खाली स्पेस था। अभी तक कॉयल कोई भी ब्रांडेड कंपनी आपको देती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे मजबूरी में, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का स्टाम्पिंग किसी को उपलब्ध नहीं है, इस क्वालिटी का। अब इस क्वालिटी का स्टाम्पिंग के लिए अब राहुल जी के फैक्ट्री से तो किसी को मिलता नहीं है, ब्रांड को जाता है। अब राहुल जी से एक पुराना संबंध है, एक दोस्ती है, 10-12 साल का परिचय है, जो कहिए, तो यहाँ भी वो क्वालिटी का स्टाम्पिंग आ रहा है, और जिससे एक सबसे टॉप क्वालिटी का कॉयल का निर्माण होगा। अब देखिए ये जो कोर है ये CRC हाईपम है। अब बाकी जगह का हाईपम और राहुल जी का हाईपम अगर देखना हो तो राहुल जी का जाके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके यहाँ का हाईपम जो होता है वो करोड़ों करोड़ के मशीन से, जापान का मशीन है, वहाँ से हाईपम होता है। और हाईपम का मतलब ही क्या है कि वाटेज कम जाता है, ऑटोमेटिक आपका वाट लॉस कम जाएगा और हीट कम होगा। देखिए दो बेसिक चीज़ पे हम बात करना चाहते हैं, वाट लॉस कम होना और हीट कम जनरेट होना। हीट कम अगर होगा तो मालूम है ना, कॉयल का लाइफ बढ़ जाएगा। क्यों ब्रांडेड कंपनी का पंखा 10 साल 20 साल चलते रहता है, उस सब के पीछे कोर की क्वालिटी होती है। लोकल पंखा क्यों 2-3 साल में जलते रहता है, लोग मारुति लगाते हैं, लोग ड्रम सीट लगा देते हैं जो कि ऐसा ही हीट होता है, लोग अल्मीनियम से वाइंडिंग कर देते हैं। अब अल्मीनियम वाइंडिंग कितना चलेगा, ये कोई फराटा और कूलर नहीं ना है कि 2800-2200 RPM आ रहा है। पंखा में कितना RPM आप ले आइएगा, बहुत लाइएगा तो 400 RPM, 400 RPM कॉयल को ठंडा नहीं कर सकता है, इसको समझना पड़ेगा। होता क्या है कि हवा पीछे से आता है आगे जाता है, यही ना होता है। चलिए अभी जब मशीन चालू होगा ना, फिर एक छोटा वीडियो बना के आपके सामने रख दूंगा। आप लोग जिनको भी कॉयल लेना हो, जो वीडियो में नंबर चल रहा है, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे, ये नंबर अभी नरेश जी के हाथ में चल रहा है। हाँ पीछे खाली है तुम्हारा, देखो। अच्छा सब में हो गया ना, 7 गो हो गया ना, अब वार्निश भरना चालू करो। हाँ इतना ही छोड़ दो, एक छोड़ दो। इसमें देखिए पीछे हम एक बबल रैप लगा देना चाहते हैं, क्योंकि राहुल जी के फैक्ट्री में हम देखते थे कि बहुत पीछे वार्निश गिरते रहता था, तो पीछे वार्निश ना गिरे, जो वार्निश गिरे वो वापस टैंक में आ जाए, वैसा व्यवस्था कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको कॉल चाहिए या पंखा चाहिए फटाफट नंबर पे कॉल कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।